हेलो ऑल, वेलकम टू सिविल स्टैप। आज हम हिमाचल प्रदेश जीके में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर हिस्ट्री ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट। इससे पहले हम लोगों ने हिमाचल प्रदेश हिस्ट्री में देखी थी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। तो सबसे पहले जो कि हम हर लेक्चर की शुरुआत में करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में टॉपिक डिस्कस किया था उसके ऊपर अभी तक हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में किस तरह के सवाल पूछे गए हैं, तो चलिए सबसे पहले उन सवालों को देखते हैं। सबसे पहला सवाल जो कि 2017 में पूछा गया था, वो सवाल था, इन 1848 हु सप्रेस द रिबेलियन ऑफ वजीर ऑफ नूरपुर एंड देन राजा ऑफ जसवान एंड दातरपुर। तो 1848 में इन स्पेसिफिक जगहों के राजा और वजीर ने ब्रिटिश के खिलाफ रेबल कर दिया था, ब्रिटिश के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था। तो उस विद्रोह को सप्रेस किसके द्वारा किया गया? वो सप्रेस किया गया तुम्हारा मिस्टर लॉरेंस के द्वारा। तो पहला क्वेश्चन इसका आंसर आपका है ए। सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 2016 में पूछा गया, इन 1804 एडी रूलर्स ऑफ बिलासपुर, मंडी, चंबा एंड अदर स्मॉल रूलर्स ऑफ कांगड़ा एरिया इनवाइटेड होम टू इन्वेड कांगड़ा। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया है, ये वो वाला टाइम पीरियड है जब गुरखाज हिमाचल प्रदेश के अंदर एंटर हो चुके थे, ये जो सिरमौर की टेरिटरीज थी उसको एक्वायर कर चुके थे। बहुत फियर्स वॉरियर उस स्पेसिफिक टाइम पे कंसिडर किए जाते थे। ये वही टाइम है जब कांगड़ा का राजा था महाराजा संसार चंद। संसार चंद के बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में काफी गहराई में डिस्कस किया। जब संसार चंद अपने नियर बाय एरियाज की टेरिटरी को एक्वायर करना शुरू कर देता है, तो नियर बाय टेरिटरी के लोग, स्पेशली बिलासपुर या जिसको हम कहलूर के नाम से भी जानते हैं, वहां का राजा गुरखास से रिक्वेस्ट करता है कि आप संसार चंद को हराने में हमारी सहायता करो। बिलासपुर का राजा और आसपास के और छोटे मोटे राजा गुरखास के साथ मिलके महल मोरिया में संसार चंद के ऊपर अटैक कर देते हैं, जिस बैटल में संसार चंद की हार होती है। अगेन इसके बारे में भी हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। जब संसार चंद हारता है, उसके बाद संसार चंद सिक्स की हेल्प सीख करता है, स्पेशली महाराजा रणजीत सिंह की। सिक्स हेल्प करते हैं महाराजा संसार चंद को गुरखास को हराने में, क्लियर। लेकिन हमारा यहाँ पे सवाल ये था कि मंडी, चंबा और बाकी जो छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने कांगड़ा के ऊपर इन्वेड करने के लिए किसको बुलाया था? तो वो ब्रिटिश आर्मी, मुगल्स या महाराजा रणजीत सिंह नहीं हो सकते हैं, वो थे तुम्हारे गुरखा आर्मी चीफ अमर सिंह थापा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 में ही था, ड्यूरिंग द रीइन ऑफ विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट द फोर्ट्स ऑफ मोकोट, नूरपुर एंड तारागढ़ वर कैप्चर्ड बाय द मुगल्स। अगेन बहुत आसान सवाल है, आप सब लोगों को हिस्ट्री में याद है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, दो ही इंपॉर्टेंट ऐसे राजा थे नूरपुर के जिन्होंने डायरेक्टली मुगल्स के खिलाफ रेबल कर दिया था। सबसे पहले जहांगीर के खिलाफ सूरजमल के द्वारा रेबल किया गया, उसके बाद शाहजहां के खिलाफ जगत सिंह के द्वारा रेबल किया गया। जब जगत सिंह जो है वो शाहजहां के खिलाफ विद्रोह कर देता है, शाहजहां अपने बेटे को भेजता है उसके साथ, हिमाचल प्रदेश के जो नियर बाई एरियाज के लोग जो कि जगत सिंह से परेशान थे, वो भी मुराद बख्श जो कि सन ऑफ शाहजहां था, उसकी सहायता करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं जगत सिंह को हराने में। और जब जगत सिंह हारता है तो जो किला है मोकोट का, नूरपुर या तारागढ़ का, वो मुगल्स के द्वारा कैप्चर कर लिया जाता है। तो इसका सवाल आपका है ए, आंसर इसका है ए, दैट इज योर जगत सिंह। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाइड द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवल्ड इन पंजाब एंड हिमला एंड शिमला हिल स्टेट्स, क्लियर। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। अगर मैं विग्ने की बात करूंगा तो आपके जो विग्ने थे ये 1835 में हिमाचल प्रदेश में आए थे, मूरक्राफ्ट 1832 में हिमाचल या जो शिमला हिली स्टेट से वहाँ पे आए हैं, जो फॉस्टर हैं ये 1783 एडी के आसपास जो है वो हिमाचल में आए हैं या शिमला हिल स्टेट्स में आए हैं, और जो थॉमस कॉरियट हैं ये 1615 एडी में यहाँ पे आए हैं। तो अगर सीक्वेंस की बात करेंगे, क्रोनोलॉजी की बात करेंगे, तो सबसे पहले थॉमस आए, फिर फॉस्टर आए, मूरक्राफ्ट आए एंड विग्ने आए। तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा 4, 3, 2 एंड 1, और 4, 3, 2 एंड 1 हमें आंसर दिख रहा है ऑप्शन ए में, इसका आंसर सही है, दैट इज ए। नेक्स्ट है, विच रूलर ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट वॉज सेंट बाय शाहजहां इन 1645 एडी टू कर्ब उज्बेक्स ऑफ बेल्क्स। अब देखो, अगेन आसान सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल नहीं है। जगत सिंह को वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया किस तरह से जगत सिंह शाहजहां के खिलाफ ही हथियार उठा लेता है, कैसे शाहजहां के खिलाफ वो विद्रोह डिक्लेयर कर देता है, क्लियर। अब यहाँ पे जो कहानी है शाह, वो है जगत सिंह के आगे बनने वाला राजा जिसके शाहजहां के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन थे, और उस राजा का नाम था राजरूप सिंह, जो कि हेल्प करता है शाहजहां को टू कर्ब उज्बेक्स ऑफ बेल्क्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्शन ऑफ राजा संसार चंद प्रॉम्प्टेड द हिल चीफ्स टू इनवाइट गुरखास टू इन्वेड कांगड़ा, 2013 में सवाल पूछा गया। ये सवाल मोर और लेस जो 2016 में सवाल पूछा गया था, सेम क्वेश्चन या सेम इसी एस्पेक्ट के ऊपर, सेम इसी कंसेप्ट के ऊपर, सेम इसी स्टोरी टाइमलाइन के ऊपर, वही क्वेश्चन मोर और लेस हमें रिपीट होता हुआ दिखता है इस स्पेसिफिक क्वेश्चन में। तो हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो तुम्हारा संसार चंद था वो नियर बाई एरियाज को कैप्चर करता है, स्पेशली जब कहलूर की टेरिटरी को कैप्चर करता है, उसके बाद जब कहलूर की टेरिटरी को कैप्चर किया जाता है उसके बाद जो है वो राजा डिमांड करता है, रिक्वेस्ट करता है गुरखास के से टू अटैक ऑन महाराजा संसार चंद। तो इसका आंसर आपका इजी है, बी है, हिज अटैक ऑन कहलूर स्टेट एंड कैप्चर सम टेरिटरी। अब देखिए ये तो था सारे का सारा जो कि अभी तक हम लोगों ने जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर पढ़ा था और हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्रीलिम्स में उसी स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट से सवाल पूछे गए थे। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कभी कभी क्या है कि एक ही डिस्ट्रिक्ट से, जैसे फॉर एग्जांपल कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही कुछ सालों में 2 से 3 हिस्ट्री के ऊपर सवाल पूछे गए हैं। तो आप लोगों को एटलीस्ट जो 5 to 6 डिस्ट्रिक्ट हैं हिमाचल प्रदेश की उनको बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी शुरुआत करते हैं, दैट इज योर अर्ली हिस्ट्री ऑफ चंबा। आज का लेक्चर हमारे पिछले लेक्चर की शुरुआत से काफी ज्यादा मेल खाता है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया था, आज हम थोड़ा सा जितना हमारे एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है उसी तरीके से डिस्कस करेंगे। हम लोगों ने देखा था हिमाचल हिली एरियाज में सबसे पहले जो लोग आए थे वो तुम्हारे थे मुंडा स्पीकिंग कुलारियंस या कोल्स, और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि मंगोलियन भी यहाँ पे आए, यहाँ पे आर्यंस भी आए जिनको खासास का नाम दिया गया। अगर मैं चंबा स्पेसिफिकली एरिया की बात करता हूँ तो चंबा में सबसे पहले आए तुम्हारे कोल्स और चंबा में उसके बाद तुम्हारे आए खासास। क्लियर, सबसे पहले कोल्स आए फिर सेकेंड नंबर पर आए खासास। आई होप आप लोगों को पता है जो कोल्स तुम्हारे हैं वो तुम्हारे प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट रेस के हैं और जो खासास हैं वो तुम्हारे आर्यन रेस के हैं। इसके साथ हम लोगों ने देखा था हिमाचल वाले एरिया में जब जनपदाज की फॉर्मेशन हो रही थी नॉर्थ इंडिया में, तो हिमाचल में आपके 4 इंपॉर्टेंट जनपदाज हुआ करते थे। एक का नाम त्रिगारता था, दूसरा कुनिंदास था, तीसरा कुलिंदास था और फोर्थ आपका हुआ करता था उदमपराज। अब आपके दिमाग में सवाल जरूर आना चाहिए कि जो मॉडर्न कांगड़ा है वो किस स्पेसिफिक जनपद के अंडर आया करता था, ये आया करता था तुम्हारा कहाँ पे, उदमपराज जनपद के अंडर। बाद में उदमपराज जो है वो बहुत ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता, तो हम ऐसा मानते हैं कि उदमपराज जो है उसको एक्वायर कर दिया गया नियर बाई जनपदास के द्वारा। इसके साथ अगर हम चंबा की बात करें तो जब हर्षवर्धन राजा बनता है, जब हर्षवर्धन किंग बनता है हिंदुस्तान में आपका जो नॉर्थ इंडिया है वहां पे, तब वो चंबा डिस्ट्रिक्ट या चंबा के कुछ एरिया जो है उनको भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। ये वही वाला टाइम पीरियड है जब ह्यून सांग जो है वो तुम्हारा हर्षवर्धन के कोर्ट में भी पहुंचा था। हर्षवर्धन के टाइम के साथ भी हम इसको लिंक करते हैं और ये वही टाइम है जब जो ब्रह्मपुरा जो आपका एरिया है जो बाद में भरमौर बना, जो इनिशियल स्टेजेस पे जहां से चंबा एम्पायर की शुरुआत होती है वो भी आपका, या वहाँ पे भी ह्यून सांग जो है उन्होंने अपनी विजिट परफॉर्म की थी। इसके साथ हमें चंबा की हिस्ट्री के बारे में मल्टीपल इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, जो कि सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन हमें गुप्ता पीरियड की देखी गई हैं। उसके बाद भी इंस्क्रिप्शन आपकी देखी हैं, उसके बाद भी इंस्क्रिप्शन लिखी गई हैं, लेकिन सबसे पुरानी इंस्क्रिप्शन आपकी कहाँ की है, गुप्ता की। जो हिमाचल में आपको अलग अलग भाषाएँ अलग अलग स्क्रिप्ट देखने को मिलती है उनमें आपकी है शारदा, नागरी, टांकरी। आई होप टांकरी स्क्रिप्ट को देख के आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा। टांकरी जो है वो तुम्हारी पहाड़ी भाषा जो है, जो हम लोगों की पहाड़ी भाषा है, उस भाषा की स्क्रिप्ट आपकी है टांकरी। तो गुप्ता पीरियड में हमें इन 3 स्पेसिफिक, ये जर्नल है गुप्ता में, बेसिकली शारदा या जो नागरी था उसको ज़्यादा यूज़ किया गया था स्क्रिप्ट को, टांकरी वगैरह जो वो बाद में थोड़ी सी डेवलप हुई, लेकिन हाँ चंबा की हिस्ट्री के बारे में हम लोगों को काफ़ी हद तक इंस्क्रिप्शन से भी पता चलता है। इसके साथ मैं आप लोगों के साथ एक और जो कहानी है वो डिस्कस करता हूँ, वो कहानी तुम्हारी है चंबा से रिलेटेड, कि जो चंबा है इसका नाम चंबा क्यों पड़ा। अलग अलग स्टोरीज हैं, एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, वो आपकी है राजा तरंगनी। एक आपकी बुक है राजा तरंगनी, ये किताब जो है वो तुम्हारी कल्हान के द्वारा लिखी गई। तो ये जो कल्हान जब किताब लिखता है रजत तरंगनी, तो उस बुक में या ये स्पेसिफिक ये बुक बेसिकली लिखी गई है कश्मीर के राजाओं के बारे में, कश्मीर के किंगडम्स के बारे में, और ये कश्मीरी हिस्टोरियन है तुम्हारा कल्हान। लेकिन काफ़ी हद तक हिमाचल के बारे में भी हमें कल्हान से काफ़ी पता चलता है। इसके अकॉर्डिंगली चंबा का नाम चंपा, या इसने जो चंबा है इसको इसके लिए शब्द यूज़ किया चंपा,
चंबा के लिए इसने शब्द यूज किया चंपा या चंपा चंपापुरी, क्लियर, चंपा या चंपापुरी। और ऐसा मानते थे कि चंबा के आसपास चंपा के ट्री हुआ करते थे, जिसके कारण इसका नाम चंपा पड़ा। बाद में इसको हमने चंबा बोलना शुरू कर दिया। इसके पीछे एक और कहानी है, कहानी इसकी और है जो कि इस किताब के बाहर की कहानी है। वो ये है कि एक राजा होता है चंबा का, जिसका नाम था साहिल वर्मन। साहिल वर्मन की बेटी का नाम था चंपावती, उसके नाम पे चंबा का नाम जो है वो चंबा पड़ा। अगेन हमारे लिए एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ कहानियां सुनने में अच्छी लगती हैं। क्लियर, तो ये हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था चंबा के बारे में। नेक्स्ट चलते हैं जो कि हमारा सबसे क्रूशियल और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज योर इंपॉर्टेंट किंग्स ऑफ चंबा। चंबा के जो इंपॉर्टेंट किंग्स हैं, इनके ऊपर काफी ज्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले चंबा की जो आपकी शुरुआत होती है, वो शुरुआत होती है मारू से। अब देखिए, अगर हम लोग मारू को थोड़ा सा ट्रैक करें, अगर हम लोग जो है वो मारू को थोड़ा सा ट्रैक करें, तो मारू की डायरेक्टली रिलेशन जो था वो था अयोध्या के साथ। मारू जो है इनका डायरेक्टली रिलेशन था कहाँ पे, अयोध्या में। ये वंशावली है, वंशावली कुछ किताब है, वंशावली, उन बुक से हम लोगों को काफी हद तक जो है वो पता चलता है। क्लियर, अब जो मारू था अयोध्या के साथ इसका रिलेशन था, सूर्यवंशी, सूर्यवंशी राजपूत हुआ करते थे। ये सूर्यवंशी राजपूत वही हैं जो कि लॉर्ड रामा का या लॉर्ड रामा के साथ अपने आप को एसोसिएट करते हैं। मारू भी खुद को लॉर्ड रामा के साथ एसोसिएट किया करता था। क्लियर, अब मारू जो है उसके तीन बेटे होते हैं। पहला बेटा जो है वो कश्मीर चला जाता है, दूसरा बेटा जो है वो अयोध्या ही रह जाता है, और तीसरा बेटा जो है वो तुम्हारा आ जाता है चंबा वाले एरिया में, जिसका नाम क्या था तुम्हारा, मारू। क्लियर, अब जब मारू यहां पे आएगा तो मारू का ही एक बेटा होगा जिसका नाम है मेरू। मेरू एम्बिशियस होगा, मेरू चंबा वाले एरिया में अपनी कैपिटल एस्टेब्लिश करेगा और एक टाउन बनाएगा जिस टाउन का नाम होगा भरमौर, और उसको अपने एम्पायर की नई राजधानी, नई कैपिटल बना देगा। अब यहाँ पे ज्यादा परेशान मत होना, मारू जो है वो ऋषि का नाम है जिसका बेटा है मेरू, जिसने रियलिटी में भरमौर की स्थापना की थी और उसको अपना कैपिटल बनाया था। ये मेरू वही है जहां से शुरुआत होगी तुम्हारी एक तरह से चंबा रियासत की बनने की। उसके बाद काफी बड़े राजा आएंगे, काफी इंपॉर्टेंट राजा आएंगे, किंग्स आएंगे, उनके बारे में धीरे धीरे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर, अब देखिए मेरू जो है वो अपने बेटों को जो है वो पूरे का पूरा प्रॉपर्टी दे देता है, और उसके बाद वो कल्पा चला जाता है, वहीं पे साधु बन जाता है, वहीं पे अपने प्राण जो है उनको त्याग देता है। इसके बाद जो मारू के बाद जो इंपॉर्टेंट राजा थे, उनमें से थे जयस्तंभ, जलस्तंभ, महास्तंभ। अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगेन बुक में लिखे हैं, आप इनको एक बार रीड कर लेना, जयस्तंभ, जलस्तंभ एंड महास्तंभ। इसके बाद जो अगले इंपॉर्टेंट राजा आएंगे, उनका नाम है आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन की अगर हम कहानी करें तो ये 620 AD के आसपास राजा बनेंगे। आदित्य वर्मन पहले ऐसा राजा बनेंगे जो कि अपने नाम के साथ जो है वो वर्मन लगाएंगे, और हिस्ट्री में आदित्य वर्मन को हम लोग ये नहीं जानते हैं कि आदित्य वर्मन ने खुद क्या किया है। यहाँ पे सबसे ज्यादा आदित्य वर्मन की खासियत ये है कि ये मेरू वर्मन के ग्रैंडफादर थे। मेरू वर्मन जो कि सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पावरफुल राजा माना जाएगा चंबा रियासत का, उसकी कहानी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे टेंशन मत लो, सबसे पहले क्या है तुम्हारा, सबसे पहले तुम्हारा है मारू, सबसे पहले तुम्हारा आ गया मारू। मारू का बेटा है मेरू जो कि भरमौर की स्थापना करेगा। वैसे काफी हद तक काफी जगह जो है वो मारू को भी क्रेडिट दिया जाता है। मेरू जो है वो भरमौर की स्थापना करेगा और उसको अपनी कैपिटल बनाएगा। क्लियर, कैपिटल बन गया। उसके बाद जो है वो जो अगला इंपॉर्टेंट राजा आएगा, जलस्तंभ रहेगा, जयस्तंभ रहेगा, महास्तंभ रहेगा, छोटे मोटे राजा रहेंगे, अगेन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अगला इंपॉर्टेंट राजा का नाम जो हम लोगों को वंशावली में देखने को मिलता है, उस राजा का नाम है आदित्य वर्मन। आदित्य वर्मन की ज्यादा खासियत यह है कि वो मेरू वर्मन का ग्रैंड फादर है। मेरू वर्मन के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे, अगेन मैंने मेंशन किया कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और काफी ज्यादा रेलिवेंट राजा थे। क्लियर, आदित्य वर्मन की एक छोटी सी कहानी मैं और भी बता देता हूँ। एक्चुअली कहानी क्या है कि जब कुल्लू के राजा, कुल्लू का राजा जिनका नाम था ब्रह्मपाल, कुल्लू का राजा जिनका नाम था ब्रह्मपाल, जब उसकी डेथ होती है, तो भरमौर का, या जिसका नाम पहले भरमौर है ना, यहाँ पे मैंने भरमौर लिखा है, यहाँ पे आप ब्रह्मपुर लिख सकते हो, क्योंकि पुराना नाम जो है वो ब्रह्मपुर है, बाद में इसका नाम भरमौर बना। तो जो ब्रह्मपुर का राजा था यानी कि आदित्य वर्मन, उसके साथ जो था वो तुम्हारा लद्दाख का राजा था, सुकेत का राजा था, कांगड़ा का राजा था और बुशहर का राजा था। इन राजाओं ने मिलके
इन राजाओं ने मिलके जो है वो गणेश पाल को राजा बनाया था। इन सब ने मिलके गणेश पाल जो है उसको राजा बनाया था कुल्लू का। तो कहीं ना कहीं हम ऐसा मान सकते हैं कि आदित्य वर्मन जो है उसको ऑथराइज किया जा चुका था स्पेसिफिक टाइम पे, क्योंकि इसकी इन्वॉल्वमेंट है कुल्लू में राजा डिसाइड करने के लिए। क्लियर? तो आदित्य वर्मन की एक और खासियत अगर आप लोगों ने थोड़ी सी एक्सप्लोर करनी है तो आप कर सकते हो। अब देखिए, इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट राजा आएगा उसका नाम है मेरु वर्मन। मेरु वर्मन जो है वो आपकी तीसरी जनरेशन होगी आदित्य वर्मन के बाद। ये 680 AD के आसपास जो है वो चंबा के राजा बनेंगे। मेरु वर्मन की सबसे खासियत क्या है कि मेरु वर्मन और जो कुल्लू का राजा होगा दातेश्वर पाल, उसके बीच में जो रिलेशन है वो बहुत अच्छे नहीं होंगे, और मेरु वर्मन के द्वारा दातेश्वर पाल को मार दिया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, हो सकता है पूछ ले आपसे कि दातेश्वर पाल को किसने मारा था, या मेरु वर्मन के द्वारा जो कुल्लू का राजा मारा गया था उसका नाम क्या है। एक चीज ध्यान रखो, जो तुम्हारा मेरु वर्मन है, एक तो एम्पायर की एक्सपेंशन के लिए इनको श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, और इसके साथ साथ जो इनकी आर्किटेक्चरल कंट्रीब्यूशन है, जो कल्चर के लिए हमारे देश की हेरिटेज में जो इनकी कंट्रीब्यूशन है उसके लिए भी इनको जाना जाता है। क्लियर? इन्होंने कुछ मंदिर बनाए हैं, याद रखेंगे सब लोग, बाकी हम आर्ट एंड कल्चर जब हिस्ट्री खत्म हो जाएगी उसके बाद आर्ट एंड कल्चर उठाएंगे, कंबाइन हम डिस्कस करेंगे, एक आधा सवाल वहां से भी पूछा जाता है। मनी महेश टेम्पल इन्होंने बनाया, लक्षणा देवी टेम्पल इन्होंने बनाया, गणेश टेम्पल इन्होंने बनाया, नरसिंहा टेम्पल इन्होंने बनाया, इसके साथ साथ भरमौर में सूरनमुखा श्रीन जो है वो भी इनके द्वारा ही बनाई गई। और ऐसा माना जाता है कि जो सूरजमुखा, सॉरी सूरजमुखा है ये, जो सूरजमुखा श्रीन है, या आजकल या इस स्पेसिफिक टाइम पे जब भी चंबा का राजा भरमौर जाएगा तो सूरजमुखा श्रीन जो है वो वहाँ पे उसको, या श्राइन जो है वहाँ पे उसको पूजा करना, वर्शिप करना आवश्यक है, मस्ट है, फिर उसके बाद वो अपने रेजिडेंस जाएगा, क्योंकि सबसे पहले वो पहुंचेगा सूरजमुखा श्राइन, वहां पे पूजा करेगा, उसके बाद अपने घर जाएगा अगर वो चंबा की विजिट के ऊपर जा रहा है। इवन आज भी इस चीज को फॉलो किया जाता है। उस टाइम पे जो बहुत ही फेमस क्राफ्टमैन थे, जो आर्किटेक्चरली जिन्होंने बेसिक आर्किटेक्चर डेवलप किया था, उनका नाम था गुग्गा। क्लियर? नेक्स्ट आपके राजा बनेंगे इंपॉर्टेंट राजा, जिनका नाम है अजय वर्मन। अजय वर्मन जो है वो 760 AD के आसपास जो है वो आपके राजा बनेंगे, कहाँ के, चंबा के। देखो यार, हिमाचल में ना काफी राजा मिस भी हैं, मतलब बीच में एक दो राजा आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हिमाचल की हिस्ट्री के ऊपर उतनी ज्यादा रिसर्च नहीं हुई है, और दूसरी बात है कुछ किंग्स को मैं जान के छोड़ रहा हूँ क्योंकि उनकी उतनी रेलिवेंस, उतनी इंपॉर्टेंस मेरे को देखने को नहीं मिली है। अजय वर्मन की अगर बात की जाए तो इनको हम एक खासियत के लिए लिंक कर सकते हैं, वो है गद्दियों का आना। गद्दी जो ऐसा माना जाता है कि दिल्ली से आए थे, तो जब दिल्ली से चंबा में गद्दी पहुंचेंगे या भरमौर में गद्दी पहुंचेंगे तो उस टाइम पे जो राजा रहेगा वो आपका है अजय वर्मन। और एक चीज ध्यान रखना, ये अजय वर्मन या अजय वर्मन, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ऐसा मानते हैं हम कि रियलिटी में जो गद्दी थे वो लाहौर से आए थे, लाहौर से दिल्ली आए और दिल्ली से पहुंच गए तुम्हारे भरमौर। और इस स्पेसिफिक टाइम पे अगर तुम देखोगे तो काफी ज्यादा गद्दी पॉपुलेशन जो है वो तुम्हें चंबा भरमौर में देखने को मिलती है। जो गद्दी पॉपुलेशन स्थापित हुई थी वो हुई थी ड्यूरिंग दी री इन ड्यूरिंग दी रूल ऑफ अजय वर्मन। नेक्स्ट राजा की अगर हम बात कर दें तो नेक्स्ट राजा आपके हैं, दैट इज योर लक्ष्मी वर्मन। देखो यार, लक्ष्मी वर्मन की अगर हम बात करें तो जब लक्ष्मी वर्मन राजा बनते हैं अराउंड 800, तो उस स्पेसिफिक टाइम पे एक एपिडेमिक फैल जाता है। एपिडेमिक का मतलब सिंपल सा है, एक महामारी, प्लेग टाइप। तो जब महामारी उस स्पेसिफिक टाइम पे फैलती है तो राजा वहां से भाग जाता है, या राजा को अपने एरिया को छोड़ के जाना पड़ता है दूसरे एरिया में शरण देने के लिए। और जब राजा पूरा एरिया छोड़ के चला गया तो अब चंबा, जिसके साथ चंबा वाला एरिया जिसके साथ जो है वो आपका तिब्बत का एरिया जो है वो मैच करता है, या तिब्बत का एरिया जो है वो बिल्कुल साथ में लगता है, तो तिब्बत जिनको हम लोगों ने तिब्बतियंस कहा, कीरा कहा, या यार के लैंडीज कहा, ये क्या करेंगे, देखेंगे कि राजा यहाँ पे है नहीं, राजा वहां से जा चुका है, ये टेरिटरी को एक्वायर कर लेंगे। तो इस तरह से तिब्बतियन के कंट्रोल में चंबा रियासत चली जाएगी। और ये वो ही वाली कहानी है, याद रखो, लक्ष्मी बर्मन जब तुम्हारा राजा बनेगा तो उस स्पेसिफिक टाइम पे दातेश्वर पाल को हराने के बाद जो कुल्लू है वो किसका पार्ट होगा, तुम्हारा चंबा का पार्ट होगा। लक्ष्मी बर्मन राजा बना, आपका एक 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 आपका एपिडेमिक ब्रोकआउट हो गया, उसके बाद राजा को वहां से जाना पड़ा, जब राजा वहां पे नहीं था उस स्पेसिफिक टाइम पे पीछे से तिब्बतियन आते हैं और चंबा की काफी टेरिटरी को कंट्रोल कर लेते हैं। और एक और चीज ध्यान रखो, जो किरा थे या जो तिब्बतियन थे, उन्होंने बैजनाथ वाला जो एरिया है स्पेसिफिक टाइम पे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उस एरिया को भी अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। यही कारण था कि बैजनाथ को जब वो किरा ग्रामा के नाम से भी जाना जाता है, किरा तिब्बतियन ग्रामा गांव,
तो कभी कभी पूछ लेते हैं कि बैजनाथ का दूसरा नाम क्या है, हिस्टोरिकल नाम क्या है, तो वो आपका है किराग्रामा। किराग्रामा क्यों कहा जाता है? क्योंकि किरा या तिब्बतियंस इनके द्वारा इस स्पेसिफिक एरिया को कंट्रोल किया गया था। अब देखो लक्ष्मी वर्मन, इसका अपना राज्य भी चला गया। राजा का जब राज्य चला जाता है, उसकी कैपिटल उसके हाथ से छिन जाती है, तो कहीं ना कहीं वो उतना पावरफुल नहीं रहता है जितना वो पहले पावरफुल था। इसी चीज़ का फायदा उठाया जाता है, इसी चीज़ का फायदा जो है वो उठाया जाता है दातेश्वर पाल का बेटा, जिसका नाम था जारेश्वर पाल। जारेश्वर पाल जो है वो क्या करता है, भरमौर या चंबा से अपने इंडिपेंडेंस को डिक्लेयर कर देता है विद द हेल्प ऑफ राजा ऑफ बुशर, दैट वॉज योर उगार सिंह। क्लियर? तो उगार सिंह की सहायता लेके जो कुल्लू है वो फिर से अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देता है, क्योंकि लक्ष्मी वर्मन के हाथ से मोर और लेस सत्ता जा चुकी है, क्योंकि उसकी टेरिटरी के ऊपर तिब्बतियंस का कंट्रोल हो गया। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट राजा बनेगा जिसका नाम था मूषण वर्मन। अब देखो जब लक्ष्मी वर्मन जो है, या जब लक्ष्मी वर्मन की डेथ होती है, तो लक्ष्मी वर्मन की डेथ के बाद, लक्ष्मी वर्मन की डेथ के बाद उसका कोई बेटा नहीं होता है, लेकिन उसकी जो वाइफ थी वो प्रेग्नेंट थी। क्लियर? ऐसा कहानियों में लिखा गया है, अगेन मैं कहानियां तुम लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ऐसा कहानियों में लिखा गया है कि जब वो उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, तो उसका जो वजीर और पुरोहित है वो रानी को लेके कांगड़ा की तरफ चलना शुरू हो जाता है, ताकि इन्वेडर्स, इन्वेडर्स अब यहाँ पे कौन है, जो तिब्बतियन है, ताकि इन्वेडर से रानी और उसके बच्चे को बचाया जा सके। बीच में रानी को लेबर पेन शुरू हो जाती है, रानी जो है वो अपनी पालकी को रुकवाती है, उनको वेट करने को बोलती है, और रानी एक गुफा के अंदर जाके वहां पे एक बच्चे को जन्म देती है। अब रानी जो है उसको किसी के ऊपर विश्वास नहीं है, उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा ना हो उसका जो वजीर है, उसका जो पुरोहित है, या कोई और उसके बच्चे को मार दे। तो रानी क्या करती है, चुपके से अपने बेटे को उसी गुफा में छोड़ के पालकी में वापस बैठ के चलना शुरू कर देती है। थोड़ी देर के बाद जब वजीर और पुरोहित को किसी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आती है, तो वो रानी से पूछते हैं कि वो बच्चा कहाँ है। रानी उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देती है, वो वापस जाते हैं उस गुफा में जहाँ पे रानी ने बच्चा छोड़ा हुआ था। जब वो बच्चे को देखते हैं, तो बच्चा चारों तरफ से चूहों के द्वारा, जिनको मूषा भी कहा जाता है, चूहों के द्वारा घिरा हुआ था, और ऐसा माना जाता है कि वो चूहे बेसिकली उस बच्चे की प्रोटेक्शन कर रहे थे। यही ना कारण है कि उस राजा का नाम जो है वो मूषा के नाम से पड़ा, दैट इज योर मूषण वर्मन। क्लियर? अब आई थिंक कहानी समझ आई होगी तुम लोगों को। अब जब रानी जो है ये वापस गए, बच्चा उनको मिल गया, अब बच्चे को लेके रानी जो है वो एक ब्राह्मण के पास रहना शुरू कर देती है। कम से कम 8 साल तक वो एक ब्राह्मण के पास रहती है। जब तक वो ब्राह्मण के पास है 8-9 साल तक, तब तक वो अपनी आइडेंटिटी को रिवील नहीं करती है। लेकिन एक दिन ब्राह्मण जब भूषण के जो फुटप्रिंट है, जो पैरों के निशान है, उनको देखता है, तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये रॉयल पर्सन है, कोई राजा का बेटा या राजा है। क्लियर? जब ब्राह्मण को सच पता लगता है रानी से, तो वो रानी को राजा ऑफ सुकेत को इंट्रोड्यूस करता है। सुकेत जो इस स्पेसिफिक टाइम पे आप लोगों को मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलता है। राजा ऑफ सुकेत जो है वो मूषण वर्मन की पढ़ाई लिखाई के ऊपर पैसा खर्चा करता है, उसके साथ साथ अपनी बेटी की शादी भी मूषण वर्मन से करवा देता है, और उसके साथ साथ एक एरिया, दैट वॉज योर पंगना, एक पंगना एरिया टेरिटरी को डाउरी के रूप में मूषण वर्मा को देता है। अब देखो मूषण वर्मा जो कि अपनी टेरिटरी से बाहर जा चुका है, वहां पे तिब्बतियन और किरास का कंट्रोल है, चंबा या भरमौर वाला एरिया के ऊपर अभी कोई भी राजा रूल नहीं कर रहा है इस स्पेसिफिक किंगडम का, जो नॉर्मली होना चाहिए। अब धीरे धीरे मूषण वर्मा को जो टेरिटरी मिलती है, तो मूषण वर्मा अपने एम्पायर को एक्सपैंड करना शुरू कर देता है। क्लियर? और मूषण वर्मा जो है वो भरमौर को राजा ऑफ सुकेत की हेल्प से, जो उसके एनिमीज थे जिन्होंने वहां पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश किया हुआ था, वहां से उनको फ्लश आउट कर देता है। और इस तरह से मूषण वर्मा, जो कि लक्ष्मी वर्मन के टाइम पे एम्पायर जा चुका था इनके हाथों से, वर्मन फैमिली के, ये उस एम्पायर को फिर से रीगेन करता है। और मूषण वर्मा जब राजा बनता है, तो अगेन मैंने तुम्हें बताया कि जो तुम्हारे चूहे हैं उनकी क्या रेलिवेंस है, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है मूषण वर्मन की लाइफ में, तो ये चूहों की किलिंग के ऊपर बैन लगा देता है। तो मूषण वर्मा की स्टोरी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगेन हम लोगों को कहानियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कहानियां सिर्फ चीजों को अंडरस्टैंड करने में, समझने में हम लोगों की सहायता करती हैं। क्लियर? लेकिन अगेन सवाल जो है वो जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखे हैं, या जो नोट्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे, उन नोट्स से काफी सवाल पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए नेक्स्ट जो राजा है वो आई थिंक
सबसे इम्पोर्टेंट राजा है पूरे के पूरी चंबा रियासत का, उस राजा का नाम है साहिल वर्मन। साहिल वर्मन राजा बनता है 920 AD के आसपास। ये वो राजा है जो अपनी गवर्नमेंट, जो अभी तक उसकी जो कैपिटल थी वो क्या थी, ब्रह्मपुरा, जिसको हम भरमौर के नाम से भी जानते हैं, ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है एक नए टाउन की तरफ, क्योंकि इसको ज़्यादा सिक्योर एरिया चाहिए था, ज़्यादा सिक्योर टाउन चाहिए था, ज़्यादा सिक्योर कैपिटल चाहिए थी, और जो ज़्यादा सिक्योर कैपिटल जो कि नदी के किनारे बसी हुई थी, उस कैपिटल का नाम था चंबा। तो इस तरह से साहिल वर्मन जो है, सबसे पहली खासियत साहिल वर्मन की, ये कैपिटल शिफ्ट कर रहा है फ्रॉम ब्रह्मपुरा टू चंबा। दूसरी कहानी साहिल वर्मन की यह है कि जो साहिल वर्मन है इसकी कोई संतान नहीं हो रही थी। क्लियर, साहिल वर्मन की कोई भी संतान नहीं हो रही थी। लेकिन साहिल वर्मन, या जो आपका, जब चंबा अभी तक फाउंड नहीं हुआ था और ब्रह्मपुरा ही इनकी कैपिटल हुआ करती थी, तो ब्रह्मपुरा में 84 योगी आए, 84 योगी आए, और वो साहिल की, या जो साहिल वर्मन था, उसकी हॉस्पिटैलिटी से बहुत ज़्यादा खुश थे, जिसके बदले उन्होंने साहिल वर्मन को एक आशीर्वाद दिया कि तेरे 10 सन होंगे, तेरे 10 जो है वो बेटे होंगे। इन योगियों के बाद जो है, या इन योगियों के आशीर्वाद के बाद, जो साहिल वर्मन था उसके 10 सन, 10 बेटे और एक बेटी होती है, जिस बेटी का नाम था चंपावती। तो आई थिंक आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, थोड़ी देर पहले भी जब मैंने इंट्रोड्यूस किया था तो मैंने कहा था कि जो नाम पड़ा है चंबा का, वो किसके नाम पे पड़ा है, वो चंपावती के नाम पे ही पड़ा है, जो कि साहिल वर्मन की बेटी थी। अब देखिए, जब आपका 84 योगी जो है भरमौर में आते हैं, ब्रह्मपुरा में आते हैं, और इनके आशीर्वाद के बाद जो है वो 10 संतानें भी होती हैं साहिल वर्मन को, तो इसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर जो वो 84 स्मॉल स्मॉल छोटे छोटे टेम्पल जो हैं वो भी बनाए गए हैं। क्लियर, एक छोटे छोटे टेम्पल जो है वो 84 84 जो टेम्पल्स हैं उनको भी यहाँ पे बनाया गया है। क्लियर, डन, पहली बात। दूसरी बात यहाँ पे क्या है कि साहिल वर्मन का जो, या साहिल वर्मन की दूसरी खासियत क्या है, साहिल वर्मन जो है वो अपने एरिया को धीरे धीरे एक्सपेंड करना शुरू कर देता है और आसपास वाले एरियाज को एक्वायर करता है। क्लियर, उसके साथ हमेशा एक चरपतनाथ, ये ध्यान रखना नाम, चरपतनाथ नाम का एक योगी होता है जो हमेशा साहिल वर्मन के साथ रहता है, वो उसका एक तरह से एडवाइजर होता है। क्लियर, साहिल वर्मन को आपकी नदी के किनारे की एक जमीन जो है वो बहुत ज्यादा पसंद आती है, वो जमीन वहां पे ब्राह्मण की जमीन हुआ करती थी। साहिल वर्मन उस ब्राह्मण से रिक्वेस्ट करता है कि इस स्पेसिफिक जमीन को साहिल वर्मन को दे दिया जाए। ब्राह्मण एक प्रॉमिस लेता है साहिल वर्मन से कि जब भी शादी होगी, जब भी शादी होगी कि शहर में, तब साहिल वर्मन जो है वो 8 चकलीज देगा। चकली जो है वो उस स्पेसिफिक टाइम पे कॉपर के सिक्कों को कहा जाता था, जो कि राजा की एक तरह की करेंसी हुआ करती थी। तो 8 चकलीज जो है, 8 कॉपर क्वाइन जो है, वो हर शादी में ब्राह्मण को साहिल वर्मन के द्वारा दिए जाएंगे। इस प्रॉमिस के साथ ब्राह्मण जो है वो जमीन को दे देता है, किसको, साहिल वर्मन को। जो नदी के किनारे वाला एरिया है, जब तुम्हारा जाता है साहिल वर्मन के पास, तो वही जो टाउन है वो बनता है तुम्हारा चंबा। चंबा बनाने का कारण है उसकी बेटी, जिसका नाम था चंपावती, उसके नाम पे चंबा जगह को, या चंबा टाउन को एस्टेब्लिश किया जाता है। जब चंबा टाउन बना, तब ब्रह्मपुरा से जो है वो चंबा में कैपिटल शिफ्ट हुई। क्लियर, आई थिंक यहाँ पे तुम लोगों को थोड़ी थोड़ी कहानी समझ आ गई। अब देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब चंबा बन गया, इवन कि नदी के किनारे वाला एरिया था, लेकिन तब भी वहां पे कोई भी वाटर सप्लाई का सोर्स नहीं था। क्लियर, एक साथ में नदी थी जिसका, एक स्ट्रीम थी जिसका नाम था सरहुत्ता। तो सरहुत्ता स्ट्रीम से ये कोशिश करते थे कि चंबा टाउन की तरफ जो है वो पानी चला जाए, लेकिन पानी जो था वो चंबा टाउन के अंदर एंटर करने से मना कर देता था। अगेन, ये सारी नोशन है, सारी कहानियां हैं, हो सकता है सच है, झूठ है, दैट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये कहानी सिर्फ मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ ताकि तुम चंबा के साथ अपना रिलेशन एस्टेब्लिश कर सको। क्लियर, तो जब पानी जो है वो चंबा के अंदर नहीं जा रहा है, तब वहां पे ब्राह्मण जो हैं वो राजा को सजेस्ट करते हैं कि या तो राजा खुद, या उसकी वाइफ, या उसके बेटे अपना सेक्रीफाइस करें, क्योंकि अगर वो सेक्रीफाइस करेंगे तो स्ट्रीम प्योर हो जाएगी और वो चंबा टाउन के अंदर एंटर कर जाएगी। तो यहीं पे ही नैना देवी, जो मैंने हाईलाइट यहाँ पे नाम किया हुआ है, ये नैना देवी जो है वो तुम्हारी वाइफ है साहिल वर्मन की। नैना देवी जो है वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देती है, जिंदा ही इनको जो है वो दफन कर दिया जाता है। इनके सेक्रीफाइस करने के बाद
इनके सेक्रीफाइस करने के बाद जो आपका चंबा था वहाँ पे, या जो आपका चंबा वाला एरिया था वहाँ पे वाटर सप्लाई जो है वो ऑटोमेटिकली शुरू हो जाती है। तो यही कारण है इनकी याद में एक मेला मनाया जाता है हर साल, सूही मेला, जो आपका 15th of चैत, या जब आपकी विशेषिका होती है उसमें, या सॉरी विशाखा होती है उसमें ही आपका, या उस स्पेसिफिक उन स्पेसिफिक मंथ में ही उसको वैसाख के पहले में, या 15th of चैत में जो है, या चैत महीने के 15 या वैशाख के पहले दिन, सॉरी पार्डन फिर से करेक्शन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, चैत के 15 से लेके वैशाख के 1 तक, मतलब 15 दिनों तक जो वो इस स्पेसिफिक मेले को ऑब्जर्व किया जाता है। इस मेले में सिर्फ मेल, सॉरी इस मेले में सिर्फ वुमेन और चिल्ड्रन ही अलाउड होते हैं। क्लियर, डन। अब यहाँ पे जो है वो जो जब जो पूरा ओकेजन है सूही मेला मनाया जाता था, यहाँ पे राजा ही पूरे का पूरा खर्चा करता था। क्लियर, यही स्पेसिफिक जगह है जहाँ पे नैना देवी की श्राइन भी बनाई हुई है, मतलब इनका छोटा सा मंदिर भी बना है, टेम्पल भी बना है, और उसके ऊपर स्टेप्स बने हैं, जिसके ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी हैं वो बनाई गई हैं रानी शारदा के द्वारा, SARDA, रानी शारदा के द्वारा, जो कि राजा जीत सिंह की वाइफ थी। ये बहुत बात की बात है, 1794 के आसपास जो वो सीढ़ियाँ लगेंगी, किसके द्वारा, रानी शारदा के द्वारा। क्लियर। इसके साथ अगर साहिल वर्मन की बात की जाए तो साहिल वर्मन जो है उन्होंने चंपावती का टेम्पल बनाया, चंपावती अगेन इनकी एक बेटी थी। इसके पीछे भी एक कहानी, ऐसा माना जाता था कि साहिल वर्मन को थोड़ा शक हो जाता है अपनी बेटी के ऊपर कि उसका अफेयर है किसी ब्राह्मण के। जब साहिल वर्मन जो है वो देखता है कि चंपावती किसी कुटिया में जा रही है, तो वो गुस्से में उसका पीछा करता है, और जैसे ही वो कुटिया का दरवाज़ा खोलता है तो उसको चंपावती देखने को नहीं मिलती है। उस दिन के बाद चंपावती उसको कहीं भी देखने को नहीं मिली। यही कारण था, या उसको बाद में अपने इस गुस्से का या इस शक का एहसास होता है कि इसका जो शक था वो बिल्कुल गलत था, वो चंपावती की याद में मंदिर बनाता है उसी स्पेसिफिक जगह के ऊपर। तो चंपावती टेम्पल है, लक्ष्मी नारायण टेम्पल है, चंद्रशेखर टेम्पल है, चंद्रगुप्त एंड कामेश्वर टेम्पल है, ये सब सारे के सारे मंदिर जो हैं वो तुम्हारे साहिल वर्मन के द्वारा ही बनाए गए हैं। क्लियर। साहिल वर्मन अपने पूरे के पूरे टेरिटरी को 5 अलग-अलग जोन्स में डिवाइड करता है, जिसको कहा जाता है मंडल, जिसको क्या कहा जाता है, मंडल। यही वो मंडल है जिनको बाद में विजारत के नाम से भी जाना गया। जब मुस्लिम यहाँ पे आए, मुगल यहाँ पे आए, उन्होंने उर्दू फारसी के शब्द यहाँ पे यूज करने शुरू किए, दैट इज योर विजारत। विजारत का मतलब था तहसील। साहिल बर्मन के दौरान 5 जो जोन थी, एक थी भरमौर, दूसरी चंबा, तीसरी बतियात, फिफ्थ फोर्थ चूड़ा, और 5वीं थी पांगी। तो 5 टेरिटरीज, 5 विजारत या 5 मंडल जो थे वो पूरे के पूरे चंबा के अंदर हुआ करते थे। क्लियर। साहिल वर्मन को शशांक का टाइटल दिया गया, जिसको मतलब है एम्बलम ऑफ करेज। निशान कमल का टाइटल दिया गया, जिसका मतलब है डॉन्टलेस रेसलर। क्लियर, डन। और उसके साथ साथ जो महात्मा सिम्हा का नाम भी दिया गया, जिसका नाम है रोरिंग लायन, ठीक है, चिल्ला चीखता हुआ शेर, क्योंकि इसने इतनी ज़्यादा अपनी टेरिटरी जो है उसको एक्सपेंड कर दी है। क्लियर। और जो 84 मंदिर है ना, इसको हम लोग आज भी 84 के नाम से जानते हैं, 84 84 में 84 छोटे छोटे टेम्पल जो है वो तुम लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर। आई होप साहिल वर्मन के बारे में तुम्हें आइडिया लग रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, छोटे छोटे राजा हैं, जल्दी जल्दी इनको कर लेते हैं। नेक्स्ट आपका 940 AD में आएंगे युगांकर वर्मन। युगांकर वर्मन जो है ये आपका गौरी शंकर ईश्वर गुर्जा टेम्पल बनाएंगे लक्ष्मी नारायण टेम्पल के पास। अब आप सोचिए जल्दी से, लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो वो किसके द्वारा बनाया गया था। इसके बाद आपके नेक्स्ट राजा आ जाएंगे, दैट इज योर जसाता वर्मन। जसाता वर्मन, जब जसाता वर्मन जो है वो आपके राजा बनेंगे, जसाता वर्मन की कहानी जो है वो थोड़ी सी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जसाता वर्मन 1105 के आसपास जो वो कहानी बनेंगे, 1105 के आसपास जो वो राजा बनेंगे, ये वो वाला टाइम है। अब यहाँ पे देखिए जसाता वर्मन है। अब एक छोटी सी कहानी चलिए पीछे, हम लोगों ने, याद होगा आप लोगों को, देखा था कि सबसे पहले जब मारू इस स्पेसिफिक एरिया में आएंगे तो मारू के 3 बेटे थे। एक बेटा अयोध्या रह गया था, एक बेटा ना चंबा या भरमौर या ब्रह्मपुरा पहुंच गया था, और एक बेटा चला गया था कश्मीर। तो इसका सिंपल सा मतलब है चंबा और कश्मीर के बीच में रिलेशन है, क्योंकि दोनों भाइयों ने ही इस स्पेसिफिक टेरिटरी के ऊपर अपना एम्पायर, या इन स्पेसिफिक टेरिटरीज के ऊपर अपना एम्पायर किया हुआ है एस्टेब्लिश। ये टाइम है जब जसाता वर्मन राजा बनता है तो कश्मीर के ऊपर रूल कर रहा है हर्षा, हर्ष जो कि जसाता वर्मन का कजन है। जब हसात जो सॉरी जब हर्ष
इस कश्मीर के ऊपर रूल कर रहा है, तब वहां पे लोहारा फैमिली जो है, वो लोहारा फैमिली का एक बड़ा इंपॉर्टेंट राजा है जिसका नाम है शुशाला, शुशाला ये वाला शुशाला, शुशाला जो है वो हर्ष के ऊपर अटैक कर देता है। अब क्योंकि जसाता बर्मन का भाई है हर्ष, तो जसाता बर्मन जो है वो हर्ष की सहायता करता है। इस बैटल में शुशाला हर्ष को तो हराता ही हराता है, इसके साथ साथ वो जसाता बर्मन को भी हरा के जम्मू कश्मीर में आपका एक विजेश्वरा टेम्पल है वहां पे बंदी बना लेता है। तो जब राजा ही हार गया, जब राजा ही बंदी बन गया, तो इसका सिंपल सा मतलब है अब चंबा जो है वो किसके कंट्रोल में आ गया, तुम्हारा शुशाला के कंट्रोल में आ गया। तो जसाता बर्मन के टाइम पे एक बार फिर से चंबा जो है वो किसी और के पास चला गया, और उस राजा का नाम था तुम्हारा शुशाला। जसाता बर्मन ने हर्ष की सहायता इसलिए की, आई होप आपको पता चल गया, क्योंकि ये इसका कजन था। क्लियर? उसके बाद जब अगला राजा बनेगा, दैट इज योर उदय बर्मन, 1120 में, 1120 में जब राजा बनेगा, तो यहाँ पे ये सपोर्ट चेंज कर लेगा। ये क्या करेगा, अपने हर्ष को अब सपोर्ट नहीं करेगा, ये सपोर्ट करेगा शुशाला को। शुशाला को सपोर्ट करने का सिंपल सा लॉजिक ये था क्योंकि उदय बर्मन की जो दो बहनें थी, दैट वॉज योर देवलखा और तारालखा, ये दोनों की दोनों बहनें जो है इनकी शुशाला के साथ हो जाती है शादी। तो जब शुशाला के साथ इसकी दोनों बहनों की शादी होगी, तो अब ये शुशाला का सपोर्टर बन गया। बट ध्यान रखिए, ये राजा तो नाम का है, लेकिन कंट्रोल किसके पास है, शुशाला के पास ही है, क्योंकि उसने राजा को बंदी बनाया था, उसके बदले उसने पूरी टेरिटरी को अपने पास रख लिया था। अब शुशाला की जब डेथ होती है, शुशाला की डेथ के बाद से चंबा फिर से किसी राजा के पास तो रहा नहीं, तो यही कारण है कि चंबा फिर से इंडिपेंडेंट होगा, और जब वो इंडिपेंडेंट होगा दूसरी बार, तब आपका राजा कौन था, तुम्हारा उदय बर्मन। और एक और छोटी सी चीज मेंशन कर देता हूँ कि जब शुशाला की डेथ होती है, तो बोथ देवलखा एंड तारालखा जो है वो सती हो जाती हैं, दोनों के दोनों जो है वो अपने आप को उन्हीं उसी की चिता में जो है वो आग लगा देती है। क्लियर? नेक्स्ट अगला आ जाएगा 1175 में, अगला राजा जिसका नाम था विजय वर्मन। अब देखिए 1175 के आसपास का ये वो वाला टाइम पीरियड है जब हिंदुस्तान में मोहम्मद गौरी जो है उसने अटैक करना शुरू कर दिया हुआ था, इन्वेड करना शुरू कर दिया था, और वो दिल्ली सल्तनत को ऑलमोस्ट एस्टेब्लिश करने की कगार के ऊपर पहुंचने ही वाला था। अब जब मोहम्मद गौरी जो है वो अटैक कर रहा है, तो उसमें पूरे का पूरा जो नदर इंडिया था उसमें उथल पुथल मची हुई थी। उसी उथल पुथल का फायदा उठा के विजय वर्मन जो है वो कश्मीर और लद्दाख के ऊपर अटैक कर देता है, और वहां पे और वहां से काफी ज्यादा पैसा जो है वो लूट के लाता है। क्लियर? अगेन एक्वायर नहीं करता है, काफी पैसा जो है वहां से लूट के लाता है, ताकि जो चंबा एरिया है उसके पास ज्यादा, या वो स्पेसिफिक जो एम्पायर है वो ज्यादा रिच हो सके। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिए, क्यों, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि शायद मोहम्मद गौरी के कारण लोगों को पता नहीं लग रहा था, इसने वहां पे फायदा उठाया, लूटा और वापस इमिडिएटली पहुंच गया। क्लियर? अब देखिए यार, अगला जो इंपॉर्टेंट राजा है साहिल वर्मन के बाद, उस राजा का नाम है प्रताप सिंह वर्मन। अब एक चीज नोट करो, अब नाम के बीच में एक नया चीज आ गया, दैट इज योर सिंह। क्लियर? एक नया नाम आ गया, दैट इज योर सिंह। अब प्रताप सिंह की अगर हम बात करें, तो प्रताप सिंह वर्मन जो है उसके पिताजी का नाम था गणेश वर्मन। क्लियर? गणेश वर्मन का बेटा था तुम्हारा प्रताप सिंह वर्मन। प्रताप सिंह वर्मन की खासियत है, प्रताप सिंह वर्मन की खासियत है बाकी राजाओं की तरह ही, कि इसने भी काफी मंदिरों को रिपेयर करवाया, और काफी नए मंदिर जो है वो उनको कंस्ट्रक्ट किया, काफी मंदिर को मंदिर जो है उनको कंस्ट्रक्ट किया। जैसे कि एक बहुत इंपॉर्टेंट मंदिर है जिसका नाम है लक्ष्मी नारायण टेम्पल। और पहली चीज तो मैंने आपके साथ मेंशन कर ही ली कि जो सिंह था वो इसने अपने नाम के साथ लगाया था। प्रताप सिंह बर्मन एक बहुत ही ज्यादा एम्बिशियस राजा था। चंबा और कांगड़ा के बीच के जो रिलेशन है वो स्टार्टिंग में तो अच्छे थे, लेकिन बाद में बहुत बढ़िया नहीं रहे। प्रताप सिंह बर्मन जो कि कांगड़ा, जो कि चंबा का राजा था, उसकी बैटल होती है, उसकी बैटल होती है कांगड़ा के राजा के साथ। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, कांगड़ा का राजा जो है वो, उसके बारे में जो नाम मेंशन है वो नाम मेंशन है चंद्रपाल। चंद्रपाल जो है वो कांगड़ा का राजा होता है। कांगड़ा के राजा को जो प्रताप सिंह बर्मन है वो हरा देता है, और उसके साथ साथ उसका जो भाई था जिसका नाम था विजयचंद, उसको मार देता है। इसके साथ ही ये गुलेर का भी एरिया जो है वो अपने कंट्रोल में ले लेता है। आसान भाषा में जब प्रताप सिंह बर्मन राजा बनता है, ये कांगड़ा के राजा को हरा के, उसके भाई विजय चंद को मार के, साथ में नियर नजदीक की टेरिटरी थी दैट वाज गुलेर, उसके ऊपर भी अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है। क्लियर? तो इस तरह से जो कांगड़ा है वो आपका मोर और लेस चंबा के कंट्रोल में आ गया। बट यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ये वो वाला टाइम पीरियड है जब अकबर जो है,
जब अकबर जो है वो उसका कांगड़ा में प्रॉपर इंटरेस्ट एस्टेब्लिश हो चुका है, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा है। अब जब चंबा बाहर से आके जो है वो कांगड़ा के ऊपर अटैक करेगा, तो अकबर जो है पहले आपका चंबा को बहुत ज्यादा एक तरह से कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन बाद में वो चंबा की कुछ टेरिटरी जो कि चंबा ने कांगड़ा से जीती थी उन टेरिटरीज को फोर्सफुली वापस ले लेगा, और उसके साथ साथ चंबा को एग्री करवा देगा कि वो अकबर की सॉबरिनिटी को एक्सेप्ट करें और उसके बदले उसको कुछ टैक्स दें, जिसके जिस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए अकबर ने अपने फाइनेंस मिनिस्टर जिनका नाम था टोडरमल उनको भी भेजा था प्रताप सिंह वर्मन के कोर्ट में। क्लियर? तो इस तरह से राजा तो रहता है लेकिन चंबा इनडायरेक्टली मुगलों के कंट्रोल में आ गया। अगर जो प्रताप सिंह वर्मन था वो कांगड़ा नहीं पहुंचता तो शायद अकबर की नज़रों में नहीं आता, और अकबर की नज़रों में नहीं आता तो चंबा जिस तरह से इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था वैसे वो इंडिपेंडेंटली काम कर सकता था। तो अकबर जब राजा बना तो जो रिहलू छारी गरोह वाले एरिया जो कि चंबा जीत चुका था वो एरिया वापिस जो है वो किसके वापिस क्या वो एरिया जो वो किसके पास चले जाते हैं, तुम्हारे मुगल्स के पास चले जाते हैं। क्लियर? तो ये प्रताप सिंह वर्मन है, काफ़ी ज़्यादा आपके इम्पोर्टेंट राजा हैं। क्लियर? और पहली बार ऐसा हुआ है कि जो प्रताप सिंह वर्मन जो है जिन्होंने पहली बार सिंह सुफिक्स जो है उसको अपने नाम के बीच में लगाया। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट राजा जिनका नाम है तुम्हारा पृथ्वी सिंह। अब देखिए यार, पृथ्वी सिंह की एक छोटी सी कहानी। पृथ्वी सिंह जो हैं इनके पिताजी का नाम है बालभद्र। पृथ्वी सिंह की एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों के साथ जो भी डिस्कस करूंगा, यहाँ पे एक स्लाइड नहीं है लेकिन मैं आप लोगों के साथ फिर भी एक छोटी सी स्टोरी डिस्कस करूंगा, वो आप लोगों को नोट्स के अंदर देखने को मिलेगी। क्लियर? ये पृथ्वी सिंह से पहले दो राजाओं की कहानी उसको डिस्कस करते हैं। पृथ्वी सिंह से पहले एक राजा का नाम था जिनका नाम था बालभद्रा, जिनका नाम था बालभद्र सिंह वर्मण। क्लियर? और उनके बेटे का नाम था जनार्दन, उनके बेटे का नाम था जनार्दन। क्लियर? बालभद्र एंड जनार्दन। जो बालभद्र थे इनको बालीकरण के नाम से जाना जाता था। बालीकरण इसलिए कहा जाता था, बालीकरण को आपको पता ही है कि हिस्टोरिकल रेलेवेंस क्या है। बालीकरण जो वो बहुत ज्यादा आपके जनरस माने जाते हैं, मतलब जितना उनके पास पैसा है वो सारा ही लुटा देते थे। तो उसी तरह से जो बलभद्र हुआ करता था वो भी जितनी उसके पास वेल्थ थी जितना पैसा हुआ करता था सारे के सारे पैसे को जो है वो लोगों में या लोगों के ऊपर न्यौछावर कर दिया करता था। क्लियर? अब बलभद्रा का ये जो आपकी एक तरह से जनरोसिटी थी जिसमें वो हर सारी वेल्थ को ख़त्म कर रहा है, सरकारी खजाने को ख़त्म कर रहा है, जो सेनापति थे या जो नोबल्स थे जो आसपास के ऑफिशियल्स थे उनको ये चीज़ पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि कल को अगर सारा ही पैसा ख़त्म हो गया तो वो सर्वाइव कैसे करेंगे। तो जो ऑफिशियल्स थे वो जनार्दन से रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने जो पिताजी हैं उनको रिप्लेस कर लो, तुम राजा बन जाओ क्योंकि ये तो पूरे का पूरा खजाना खत्म कर देंगे। जनार्दन जो है वो उन ऑफिशियल्स की बात को मान के बलभद्रा जो है वो उसको उसकी गद्दी से हटा देता है। पर क्योंकि इसके पिताजी हैं तो जो जनार्दन है ये क्या करता है, इनको इनको एक जगह पे डिपोर्ट कर देता है, बरिया करके, BARAI। और बरिया एक छोटा सा आपका विलेज हुआ करती थी, बरिया में इनका महल बनता है, वहाँ पे अपने पिताजी को भेज देते हैं। और पूरे का पूरा चंबा जो है उसके ऊपर तुम्हारा जो जनार्दन सिंह आपका जनार्दन सिंह वर्मन है वो अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेता है। अब तुम देखिए हैरानी की बात क्या है कि बलभद्रा इवन राजा नहीं है, उसको उसके बेटे ने गद्दी से हटा दिया है, छोटे से गांव में भेज दिया है, वहाँ पे किला दे दिया, कुछ खर्च करने के लिए पैसा रेगुलरली आया करता था, तो वो उस पैसे को भी लुटा दिया करता था, मतलब वो रियलिटी में ही इतना ज़्यादा जनरस था। क्लियर? अब ये तो चलो बलभद्रा की कहानी है, जनार्दन जो है वो हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए जब आपका जनार्दन जो है वो जब राजा बनते हैं तो उस स्पेसिफिक टाइम पे इनकी मेन प्रॉब्लम होती है नूरपुर के राजा के साथ। और नूरपुर में सबसे पहले याद होगा आप लोगों को, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, एक सूरजमल थे और सूरजमल के जो भाई हुआ करते थे जिनका नाम था जगत सिंह। क्लियर? सूरजमल और जगत सिंह, सूरजमल एंड जगत सिंह। अब देखो सबसे पहले सूरजमल और जो तुम्हारे जनार्दन थे इनके बीच में बैटल्स होनी शुरू हो जाती है, इनके बीच में अच्छे रिलेशन नहीं थे। थोड़ी देर के बाद सूरजमल जो है वो जहांगीर के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ जो है वो विद्रोह कर देता है। उसके भाई जगत सिंह को बुलाया जाता है, सूरजमल जो है उसको भागना पड़ता है। क्लियर? जनार्दन सिंह जो है वो नया नूरपुर का राजा बन जाता है। जगत सिंह जो है वो नया नूरपुर का राजा बन जाता है। जब जगत सिंह नूरपुर का नया राजा बनेगा तो जनार्दन सिंह के साथ या जनार्दन के साथ जो उसकी
जो उसकी इम्पोर्टेंट जो उसकी सॉरी जगत सिंह के साथ या जो सूरजमल या नूरपुर और चंबा के बीच में जो प्रॉब्लम चल रही थी वो जगत सिंह और जनार्दन के साथ भी कंटिन्यू होगी। क्लियर। अब जगत सिंह जो है वो जनार्दन चंद को बैटल ऑफ ढलौग, ये याद रखेंगे सब लोग, बैटल ऑफ ढलौग, DHALOG, बैटल ऑफ ढलौग में जगत सिंह जनार्दन जो वर्धन है उनको मार देगा, और इस तरह से नूरपुर जो है वो इनडायरेक्टली चंबा के ऊपर अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश कर लेगा। क्लियर। तो नूर देखो पहली कहानी क्या थी, पहले प्रकाश जो आपके प्रताप सिंह थे उनके स्पेसिफिक टाइम पे कांगड़ा पे इन्होंने अपने कंट्रोल किया था, हराया था राजा को, अब उल्टा हो गया, नूरपुर के राजा जगत सिंह ने जनार्दन को मार ही दिया, इस तरह से नूरपुर के कंट्रोल में, जगत सिंह के कंट्रोल में तुम्हारा आ गया चंबा। अब राजा तो खत्म हो गया, जगत सिंह ने क्या किया, जो बलभद्र है उसको फिर से रिस्टोर कर दिया, फिर से राजा बना दिया, लेकिन अगेन पावर जो थी वो किसके पास रखी, उसने अपने पास रखी। अब इसी स्टोरी में जो है वो पृथ्वी सिंह की कहानी आती है। अब देखिए पृथ्वी सिंह की कहानी सिंपल सी क्या है कि पृथ्वी सिंह जो है वो किसका बेटा है, तुम्हारा जनार्दन वर्धन का बेटा है। पृथ्वी सिंह वो राजा रहेगा, इससे पहले देखो जो भी राजा थे उन्होंने सिंह लगाना शुरू कर दिया था, लेकिन वर्धन जो था उस नाम को अपने से रिमूव नहीं किया था, लेकिन पृथ्वी सिंह जो वो पहला राजा रहेगा जो वर्धन को अपने नाम से रिमूव कर देगा, वो सिंपल बोलेगा पृथ्वी सिंह, जो 1641 से लेकर 1664 तक जो है वो राजा रहेगा। अब देखिए पृथ्वी सिंह की कहानी सिंपल सी ये है कि जगत सिंह जिसने जनार्दन को मार दिया था, अब यहाँ पे ऐसा लग रहा था कि ऐसा ना हो कि पृथ्वी सिंह को भी मार दे जगत सिंह, तो एक नर्स थी जिस नर्स का नाम था बाटलू। क्लियर। एक नर्स थी जिस नर्स का नाम था बाटलू। बाटलू जो है वो 4 साल के, 4 साल के पृथ्वी को लेके चंबा से भाग जाती है। क्लियर। जब तक वो बड़ा नहीं होता है तब तक जो राजा था मंडी का जिसका नाम था सूरज सेन, वो उसकी टेक केयर करता है, और जैसे ही पृथ्वी सिंह जो है वो बड़ा होता है, ये वो वाला टाइम आ चुका है जब जगत सिंह फिर से रिबेल कर चुका है अगेंस्ट शाहजहां, वो भी अपने या उसकी भी पावर जो है वो खत्म हो चुकी है, उसका बेटा जो है वो राजा बन चुका है जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। जब ये बड़ा होता है तो राजा ऑफ मंडी सूरज सेन की सहायता से चंबा को के ऊपर फिर से अटैक करता है और चंबा को फिर से रीस्टोर कर देता है। रीस्टोर का मेरा मतलब है कि जो किंगडम इसके हाथ से जा चुका था, इसके पिताजी के हाथ से जा चुका था, उस किंगडम को ये वापस ले लेता है। क्लियर। अब देखो यहाँ पे कहानी, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मैं। जगत सिंह जो है वो स्पेसिफिक टाइम पे जो है वो आपका रेबल करेगा, जगत सिंह जो है वो रेबल कर देगा। जब जगत सिंह रेबल करेगा अगेंस्ट द मुगल्स, तो पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी है वो शाहजहां के साथ एक अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करेगा और वो मुगलों को असिस्ट करेगा अगेंस्ट दी जगत सिंह। क्लियर। अब जब वो मुगलों को असिस्ट करेगा अगेंस्ट दी जगत सिंह, तो हम लोगों ने देखा है कि जगत सिंह किस तरह से मुगलों के द्वारा हार जाता है, 3 इंपॉर्टेंट किले जो है वो मुगलों के पास चले जाते हैं। मुगलों को असिस्ट किया पृथ्वी सिंह ने, पृथ्वी सिंह अपने जो एम्पायर है उसको फिर से रिस्टोर कर ले रहा है और साथ में शाहजहां के साथ जो है वो अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहा है। क्लियर। इसके साथ साथ शाहजहां जो है, जो जसवान वाले एरिया जो कि कांगड़ा रियासत के अंदर या कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आया करता था उस जमाने में, तो जसवान वाला एरिया भी वो किसको दे देता है, आपका पृथ्वी सिंह को दे देता है। क्यों? क्योंकि उसने जगत सिंह के खिलाफ शाहजहां की सहायता की थी। पृथ्वी सिंह जो है वो कम से कम 9 बार, 9 टाइम्स ही विजिटेड दिल्ली। क्लियर। और उसके साथ साथ काफी ऐसे मैनरिज्म भी थे, काफी ऐसे बिहेवियर भी थे जो कि पृथ्वी सिंह ने वहां से उठाए थे और या मुगल कोर्ट से उठाए थे और उसको अपने कोर्ट में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की थी। क्लियर। और ये चीज तो मैंने आपको बताई कि वर्मन नाम इसने अपने नाम के आगे से हटा दिया था। इसके साथ इसने एक वुडन पैलेस भी बनाया है जिसको हम भरमौर स्टेट कोठी के नाम से भी जानते हैं। क्लियर। और जो आपकी पृथ्वी सिंह की नर्स थी जिसका नाम था बाटलू, उसने कुछ टेम्पल बनाए हैं, कुछ टेम्पल्स को रिपेयर किया है, उनमें से टेम्पल्स का नाम है खजीनाग, ठीक है, काजीनाग, उसके बाद है हिडिम्बा, उसके बाद है सीताराम टेम्पल। ये कुछ टेम्पल जो है वो बाटलू के द्वारा बनाए गए, जो कि किसकी नर्स थी, तुम्हारी पृथ्वी सिंह की नर्स थी। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट राजा जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनका नाम है चतर सिंह। चतर सिंह जो है वो आपके औरंगजेब के कंटेम्प्रेरी रहेंगे। चतर सिंह के एक बहुत खासियत है, औरंगजेब जो नॉर्मली मंदिर वगैरह तोड़ने के लिए माना जाता था, औरंगजेब राजाओं को ऑर्डर दिया करता था कि अपने एरिया के मंदिर तोड़ दो, उसी तर्ज के ऊपर उसने चतर सिंह को भी ऑर्डर दिया कि अपने एरिया के जो मंदिर है उनको वो तोड़ दे। चतर सिंह ने उसके ऑर्डर को मानने से
मना कर दिया। अगेन थोड़ा सा दूर की टेरिटरी थी, औरंगज़ेब बहुत ज़्यादा कुछ इसका ख्वाड़ नहीं पाया, बट हाँ इसने औरंगज़ेब को मना कर दिया था। इसके साथ साथ चतर सिंह ही वो वाला टाइम है जब लाहौल जो है वो चंबा और कुल्लू के बीच में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। लाहौल वाला एरिया जो है वो किसके पास आ जाएगा, तुम्हारा चंबा के पास आ जाएगा। चतर सिंह जो है वो तुम्हारा बिधि सिंह या राजा ऑफ कुल्लू की जो बेटी है 1680 में उसके साथ शादी करेगा। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आ जाएगा आपका श्री सिंह। श्री सिंह की अगर हम बात की जाए तो श्री सिंह जो है, श्री सिंह की अगर हम बात की जाए तो जब श्री सिंह आपका राजा बनेगा तो उस स्पेसिफिक टाइम पे, उस स्पेसिफिक टाइम पे जो है उसकी एज होगी 5 ईयर्स। क्लियर। अब क्योंकि कम एज का है तो एक ब्राह्मण होता था जिसका नाम था आपका नारायण शाह। क्लियर, जिसका नाम था आपका नारायण शाह। तो नारायण शाह जो है उसकी बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हुआ करती थी। यहाँ पे लक्कड़ शाह है, LAKAR, लक्कड़ शाह, नारायण शाह या लक्कड़ शाह भी कहा जाता है, जो श्री सिंह के डे टू डे एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा इंटरफेयर किया करता था। क्लियर। अब इस चीज से परेशान होके जो वाइफ थी आपकी या जो माता जी थी श्री सिंह की, वो अपने ऑफिशियल के साथ मिलकर नारायण शाह जो है इसका कत्ल करवा देती है। ये वही वाला टाइम पीरियड है जब सिख जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहे थे। श्री सिंह के एरिया के ऊपर या चंबा के ऊपर अटैक करने के लिए एक पंडित झल्ला थे, वो सिख को एडवाइस करते हैं कि आप लोग जो है वो चंबा के ऊपर अटैक करिए। सिख जो है वो 1844 में चंबा के ऊपर करते हैं अटैक और गणेशगढ़ किला जो है वो सिख के पास चला जाता है। बाद में आप सब लोगों को पता है कि किस तरह से सिख जो है वो आपके ब्रिटिश के द्वारा हराए जाते हैं। जब ब्रिटिश सिख्स को हरा देंगे तो जो चंबा एरिया जो कि सिखों के पास था ब्रिटिश के पास चला जाएगा। ब्रिटिश उस एरिया को दे देंगे राजा ऑफ जम्मू हरि सिंह को। ध्यान रखना इस चीज़ को। चंबा जो है वो अब किसके पास चला गया आफ्टर एंग्लो सिख ट्रीटी, किसके पास चला गया, वो आपका राजा ऑफ जम्मू हरि सिंह के पास चला गया। क्लियर, डन। और साथ में जब 1857 रहेगा, श्री सिंह ही राजा रहेगा। श्री सिंह, अब देखो यार, डायरेक्टली रूल किसका है आपका राजा ऑफ जम्मू का, इनडायरेक्टली राजा इन्होंने अभी भी इंस्टॉल करके रखा हुआ है। 1857 का जब रिवोल्ट होगा तो श्री सिंह जो है वो ही वॉज लॉयल टूवर्ड द ब्रिटिश, अंग्रेजों का साथ जो है वो ये नहीं छोड़ेगा। क्लियर। 1863 में मेजर रीड जो है वो स्टेट सुप्रिटेंडेंट बनाए जाएंगे। क्लियर। मेजर रीड का जो इंपॉर्टेंट काम होगा वो प्राइमरी स्कूल देखना होगा, पोस्ट ऑफिस देखना होगा, हॉस्पिटल देखना होगा या रेजिडेंसीज बनाना, इनका मेन काम रहेगा। क्लियर। तो एक तरह से श्री सिंह के टाइम जो इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी वो क्या थी, वो थी सिखों का आना, सिखों के द्वारा एरिया को कैप्चर करना, वही एरिया ब्रिटिश को ट्रांसफर होना, ब्रिटिश के बाद वो एरिया चला जाना हरी सिंह के पास, और बाद में यहाँ पे ब्रिटिश ने हरी सिंह के साथ मिलके यहाँ पे अपने इन्वॉल्वमेंट को इंश्योर करना, जिसमें मेजर रीड की अपॉइंटमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। नेक्स्ट आपका आ जाएंगे श्याम सिंह। 1873 में राजा बनते हैं, क्लियर, आपके श्री सिंह के बाद ही इनको राजा बनाया गया, जो कि अमृतसर के कमिश्नर थे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जनरल रेनल टेलर के द्वारा। साथ में जनरल रेनल टेलर जो है वो आपके मियाँ ओथर सिंह को वजीर के रूप में अपॉइंट करते हैं। हेनरी डेविस जो है जब चंबा विजिट करेंगे, जो कि गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करते थे पंजाब के, क्योंकि एरियाज पंजाब के आसपास ही या पंजाब के अंडर ही आया करते थे, तो श्याम सिंह उस स्पेसिफिक टाइम पे राजा थे। दिल्ली दरबार लगता है, आप सब लोगों को पता होगा, कोरोनेशन के लिए दरबार लगता है। क्लियर। जब आपके लॉर्ड लिटन जो थे वो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, तो दिल्ली दरबार में जो श्याम सिंह है वो आपके पार्टिसिपेट करते हैं। ये जम्मू की ग्रैंड डॉटर के साथ भी शादी करता है और कजन ऑफ सिरमौर की या राजा ऑफ सिरमौर की कजन के साथ भी मैरिज करता है। क्लियर। इसके साथ ये और ध्यान रखना, एक और आपके जो बाद में लेफ्टिनेंट गवर्नर बनेंगे इन 1884, नाम है इनका चार्ल्स एचिसन, ये भी विजिट करेंगे चंबा जब श्याम सिंह ही तुम्हारा राजा रहेगा। शीतला ब्रिज जो कि आपकी रावी के ऊपर एक आपका ब्रिज बना हुआ था, ये डैमेज हो जाएगा 1884 में, तो उसको जो है वो आयरन के साथ रिप्लेस करवाया जाएगा। वो भी किसके द्वारा किया जाएगा, वो भी करवाया जाएगा तुम्हारा किसके द्वारा, आपका श्याम सिंह के द्वारा ही। तो श्याम सिंह के टाइम के ऊपर जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा घटनाएं जो है वो घटित होती हुई दिखती हैं। यहाँ पे करेक्शन कर लो, ये 1884 नहीं है, ये डैमेज हुआ था 1894 में। यहाँ पे करेक्शन है, 1894 में जो तुम्हारा ब्रिज था वो कोलैप्स हुआ था, जिसके बाद उसको जो है वो आयरन सस्पेंशन ब्रिज के रूप में क्रिएट किया गया था। क्लियर। इसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट राजा आ जाएगा, दैट इज योर भूरी सिंह।
भूरी सिंह की अगर हम बात की जाए तो भूरी सिंह जो है वो 12 मई 1904 को राजा ऑफ चंबा बनाए जाते हैं बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। उनका नाम था उस स्पेसिफिक टाइम पे सर चार्ल्स रिवर्स। अब देखो यार, ये ब्रिटिश के नाम बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं तो आपको ये स्पेसिफिक नाम जो है वो याद करने पड़ेंगे। 1906 में भूरी सिंह जो है वो उनको ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा या एम्परर के द्वारा नाइटहुड का दर्जा भी दिया जाता है। भूरी सिंह म्यूजियम की शुरुआत होती है 1908 में, क्लियर। 1907 में जो वाइस रीगल दरबार था आगरा में, ये वहाँ पे भी अपॉइंट किए जाते हैं, उसको अटेंड करते हैं, और जो अफगानिस्तान का अमीर था, हेड था, उसके साथ इनकी मीटिंग होती है। साथ में भूरी सिंह की जो सबसे बड़ी खासियत है, ध्यान रखो दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली खासियत है कि भूरी सिंह म्यूजियम बना कब, 1908 में बना। दूसरी बात, इनको नाइटहुड मिला कब मिला, 1906 में मिला। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इन्होंने साल रिवर के ऊपर जो है वो पूरे चंबा को इलेक्ट्रीफाई करने के लिए पावर हाउस की स्थापना की। तो इनके दो बहुत श्रेय, एक तो इलेक्ट्रिसिटी आया, और देखो इलेक्ट्रिसिटी कब आ गया था, 1910 में आ गया था, क्लियर। और उसके साथ साथ जो है वो इन्होंने कंप्लीशन ऑफ वाटर सप्लाई को भी इंश्योर किया। 1919 में इनकी जो वो ब्रेन हेमरेज के कारण जो है वो डेथ हो जाती है, क्लियर। तो इस तरह से जो है वो आपके इंपॉर्टेंट राजा है। इसके बाद तुम्हारे जो भूरी सिंह के बाद अगले राजा बनेंगे जिनका नाम था टीकाराम सिंह, उसके बाद बनेंगे राजा लक्ष्मण सिंह, और लास्ट जो राजा नॉर्मली आपके बनेंगे उसके बाद उनका नाम है राजा प्रेम सिंह। राजा प्रेम सिंह को हम राजा नहीं मानेंगे क्योंकि जब आज़ादी हुई उसके बाद राजा का कल्चर हमारे यहाँ से चला गया, नो डाउट। जो प्रिंस वाला था वो 70s में गया, लेकिन अगेन लास्ट राजा वैसे जो माने जाएंगे 1948 तक थे, उनका नाम था लक्ष्मण सिंह, क्लियर। ब्रिटिश का इनडायरेक्ट कंट्रोल यहाँ पे रहा, जम्मू के राजा का यहाँ पे इनडायरेक्ट कंट्रोल रहा, लेकिन अगेन हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम लोगों ने डिस्कस कर ली। आई होप आप लोगों को जो है वो ये लेक्चर जो है वो काफ़ी हेल्प करेगा। ध्यान रखिए, चंबा कांगड़ा कुल्लू मंडी डन बिलासपुर शिमला, ये वो डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा सवाल पूछे जा सकते हैं क्योंकि इनकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी गहरी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट जो है वो हमारी जल्दी जल्दी हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम हमारा नहीं लगेगा क्योंकि जैसे ऊना है, हमीरपुर है, करवाने की ज़रूरत नहीं है, इनडायरेक्टली हमारी कवर हो चुकी है जब हमने कांगड़ा में डिस्कस किया है, क्लियर। तो इस तरह से जो हमें चीज़ों को प्ले करना पड़ेगा। साथ में मैं पर्सनली आप लोगों को अभी भी रिकमेंड करूँगा, नोट्स में आप लोगों के साथ प्रॉपरली शेयर कर रहा हूँ जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके भी, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, तो आप नोट्स को भी पढ़िए जो आपको PDF के रूप में अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जब आप अगर कोई रिकमेंडेड बुक फॉलो कर रहे हैं उसके ऊपर भी फोकस करिए। अगर आपने अभी तक हिमाचल जी के नहीं पढ़ा है तो जितना आपको करवाया जा रहा है आप उसके ऊपर ही फोकस करिए। अगर आपने पढ़ा है तो आप लोग जो है वो किसी जो भी, जैसे पर्सनली मैं आपको हमेशा बलोखरा, जो आपकी जगमोहन बलोखरा के द्वारा वंडरलैंड नाम की किताब आती है, उसको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ। नो डाउट नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो मोटी मोटी किताबें हैं, लेकिन अगर आप इन डेप्थ समझना चाहते हो हिमाचल जी के को, तो उससे अच्छी किताब आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है उसको कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।